आपने सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको एंशिएंट टाइम के सेवन वंडर्स के बारे में पता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे सेवन वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इन सब के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जान सके। तो आइए शुरू करते हैं। सेवन वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड पुराने जमाने के लेखकों द्वारा अपनी कई किताबों और कविताओं में बताई गई तब के समय की सबसे अनोखी स्ट्रक्चर की लिस्ट है, जो तब लोगों में बहुत फेमस थी, जिनका जिक्र सबसे पहले 2020 साल पहले हुआ था, जिनमें से अब केवल ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ही बची हुई है। चलिए जानते हैं इन सेवन वंडर्स के बारे में। पहला, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, जो अभी के हिसाब से इराक में हुआ करता था, जिसे 2620 साल पहले बनाया गया था और ये 600 साल तक ही बनी रही थी, जिसके खत्म होने का कारण नहीं जाना जा सका है। कहा जाता है गार्डन में 23 मीटर ऊपर तक प्लांटेशन की गई थी, जिसे वहां के राजा ने अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था। दूसरा, टेंपल ऑफ आर्टेमिस, जो अभी के हिसाब से टर्की में हुआ करती थी, जिसे 2520 साल पहले बनाया गया था और यह 760 साल तक ही रही थी, जिसे तब एक आदमी ने आग लगा दिया था, जिसके पकड़े जाने पर उसने बताया ये उसने इतिहास में अपना नाम याद रखे जाने के लिए किया था, जिसके बाद उसे मौत की सजा मिली और गवर्नमेंट ने उसके नाम लिए जाने को इलीगल कर दिया। तीसरा, स्टैच्यू ऑफ ज्यूस एट ओलंपिया, जो अभी के हिसाब से ग्रीस में हुआ करती थी, जिसे 2455 साल पहले बनाया गया था और ये 440 साल बाद आग लग जाने के कारण खत्म हो गई थी। स्टैच्यू 13 मीटर जितनी ऊंची हुआ करती थी, जिसे ओलंपिया में ज्यूस के एक मंदिर में रखा गया था। स्टैच्यू में ज्यूस अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जिसे बहुत सारे गोल्ड और आइवरी से सजाया गया है। चौथा, मैसोलोनियम एट हेलिकार्नेसस, जो अभी के हिसाब से टर्की में हुआ करती थी, जिसे 2370 साल पहले बनाया गया था और ये 365 साल तक ही रही थी, जो अर्थक्वेक के कारण खत्म हो गई। इसे वहां के राजा के कब्र के रूप में बनाया गया था, जिसे वहां की रानी ने उनकी मौत के बाद बनवाया, जो 41 मीटर जितनी ऊंची पूरी तरह से व्हाइट मार्बल से बनी हुई थी, जिसमें तीन लेयर्स थे। पहले में सीढ़ियों के 7 बेस था, दूसरे में 36 कॉलम के साथ चारों तरफ मूर्तियां थी और तीसरे में पिरामिड से रूफ पर 4 स्कल्पचर्स की मूर्तियां और सबसे ऊपर 6 मीटर जितनी ऊंची 4 घोड़ों वाली रथ की मूर्ति थी। पांचवा, क्लॉसिस ऑफ रोहुदीस, जो अभी के हिसाब से ग्रीस में हुआ करती थी, जिसे 2312 साल पहले बनाया गया था और ये 60 साल तक ही रही थी, जिसके बाद एक अर्थक्वेक में ये गिर गई। ये पीतल से बनी हुई 33 मीटर जितनी ऊंची मूर्ति थी, जो सन गॉड हेलियोस की थी। छठा, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंडर, जो अभी के हिसाब से इजिप्ट में हुआ करती थी, जिसे 2300 साल पहले बनाया गया था और ये 1760 साल तक बनी रही थी, जिसके बाद एक अर्थक्वेक में ये खत्म हो गई। इसे एक छोटे से आइलैंड पे बनाया गया था, जिसे नील रिवर में आते जाते सिप्स को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। अंदाजे के हिसाब से इसकी हाइट 110 मीटर से भी ज्यादा बताई गई है, जिसके अवशेष अभी भी नील नदी में मिलते हैं। सातवां, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ये इस लिस्ट की एक लौती स्ट्रक्चर है, जो अभी भी इजिप्ट में है, जिसे 4600 साल पहले बनाया गया था, जो गीजा के 3 पिरामिड्स के ग्रुप का पार्ट है, जिसमें 20 लाख से भी ज्यादा स्टोन ब्लॉक्स का यूज हुआ है और ये 4000 साल तक इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची स्ट्रक्चर बनी रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स के रिलेटेड फैक्ट्स और उनके पीछे की स्टोरीज जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।